हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर घर पर बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम समय कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगा। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर को इस तरीके से थोड़े मोटे क्यूब्स में काट कर ले लिया है। जैसे कि ये चिली पनीर है तो इसमें बढ़िया सा कलर लाने के लिए इसमें एक सीक्रेट सा हम घोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका एक पतला सा घोल बना लिया है। इसके बाद मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच मैदा डाला है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। पनीर को मैंने थाली में ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्स बनाया है इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। उसके ऊपर जो चिली वाला घोल है उस डालकर अच्छे से कोट करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं पनीर और मसाले बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके बाद पनीर को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। सारी पनीर को पैन में मैंने एक ही बैच में डाल दिया है और इसे बहुत बढ़िया कलर आने तक हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। मुझे लगता है जो पनीर की सारी रेसिपी हम बनाते हैं, चिली पनीर बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और चिली पनीर के साथ फ्राइड राइस का कम्बो तो अमेजिंग लगता है। बातों ही बातों में पनीर अच्छे से सिक गया, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब वापस से जो इसमें तेल बचा हुआ है इसी में मैं इसकी ग्रेवी रेडी करूंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डाला है। 7 से 8 कली मैंने लहसुन लिया था, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया था। उसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्च को लंबी लंबी स्लाइस में काट करके डाल दिया। फिर मैंने प्याज को इस तरीके से स्लाइस में निकाल कर लिया था, उसे भी डाल दिया है। थोड़ा सा हमें इसे फ्राई करना है, फ्लेम को हाई करना है। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ मैंने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल दिया है। साथ ही मेरे पास एक लाल शिमला मिर्च थी और एक टमाटर को मैंने काट करके डाल दिया है। टमाटर के बीजों को मैंने निकाल दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सारी प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। इन सारी वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें सारी सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला है, फिर मैंने रेड चिली सॉस डाला है, इसके बाद मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने विनेगर भी मिलाया है। इसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें टमाटो केचप मिक्स किया है। चिली पनीर में हम टमाटो केचप की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि जो चिली पनीर का तीखापन है वो सारा बैलेंस हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें नमक मिलाया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। आपको अगर सेजवान सॉस पसंद है तो आप इसमें मिला सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली और मिलाया। 1 मिनट कुक होने के बाद मैंने इसमें पनीर को मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए हमें इसे और कुक करना है। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कलर आया हमारी चिली पनीर का। गाइस, आज मैंने ड्राई चिली पनीर बनाया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ग्रेवी वाली चिली पनीर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसे मैं बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। वैसे तो चिली पनीर के साथ फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन आज मैंने इसके साथ खाने के लिए तंदूरी रोटी ऑर्डर किया है। खाओ पियो, इंजॉय।